Download MIUI 9 ROM on any Xiaomi phone without using MI Flash tool or unlocking the bootloader. Hi friends, Siddharth here from technobuzz.net. आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका जो Xiaomi फ़ोन है उसको MIUI 9 ROM के साथ अपडेट करें. ना तो इसमें आपको फास्ट बूट रोम को डाउनलोड करना पड़ेगा, ना ही MI Flash टूल को यूज़ करना पड़ेगा, और ना ही आपको अपने फ़ोन का बूटलोडर को अनलॉक करना पड़ेगा. सिर्फ आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन है Xiaomi टूल जो कि आप देख पा रहे हैं, जिसका पेज हमारे सामने डेस्कटॉप पे खुला हुआ है इस टाइम पे, तो उसको आपको यूज़ करना है और साथ ही साथ अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके रखना है. तो अब आपको क्या करना है, इस टूल को जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के जो सेटिंग्स हैं उसमें जाना है. मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फ़ोन में जाके. फ़ोन की सेटिंग्स में जब जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो डेवलपर ऑप्शंस होता है यानी अबाउट फ़ोन पर जाइए आप, और जो अपना ये MIUI वर्जन है उसको ऐसे आपने टैप करना है 7 बार. उसके बाद क्या होता है कि आप जो है डेवलपर वर्जन आपका एक्टिवेट हो जाता है. ताकि मैं आपको दिखाता हूँ जो कि एडिशनल सेटिंग्स में होता है. एडिशनल सेटिंग्स नीचे जाएंगे, ये डेवलपर ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे. साथ में आपको डेवलपर ऑप्शन के इस ऑप्शन को इनेबल करना है. साथ ही साथ नीचे आके ये जो USB डबिंग मोड है इसको इनेबल कर देना है अपने फ़ोन में, ओके कर देना है. अब आपको करना क्या है कि जो आपका Xiaomi टूल है उसको ओपन करना है, और जो नीचे बटन देख रहे हैं ओके आई अंडरस्टैंड, इसको एक बार क्लिक करना है. इसको क्लिक करने के बाद ये जो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको चेक करेगा, और साथ ही साथ जो कुछ ड्राइवर्स हैं जो आपके फ़ोन के लिए ज़रूरी हैं ताकि आप अपने फ़ोन को MIUI 9 के साथ अपडेट कर सकें, उनको इंस्टॉल करेगा. और आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा मैसेज आएगा, अलाउ USB डिबगिंग, इसको ओके करना है आपको. ओके करने के बाद क्या होगा, ये जो आपके फ़ोन जो कनेक्ट अपने फ़ोन को कर रखा है, जो भी फ़ोन हो वो आपके फ़ोन को कनेक्ट करेगा इस टूल के साथ, और कुछ ही देर में आपको बताएगा कि आपका फ़ोन जो है कनेक्टेड है कि नहीं है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने इस ट्यूटोरियल में Redmi Note 4 यूज़ कर रहा हूँ. जैसे कि मैं जानता हूँ कि Redmi Note 4 का जो लेटेस्ट डेवलपर वर्जन है वो MIUI 9 पे रन कर रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करके हम इसको नीचे जो ऑप्शन है सिलेक्ट, अगर आपका फ़ोन यहाँ नहीं दिखता है तो आप इस रिफ्रेश के बटन को क्लिक करेंगे ताकि आपका फ़ोन फिर से यहाँ दिख जाए. जैसे हमारा फ़ोन यहाँ दिख चुका है, Xiaomi का Redmi Note 4, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे. अब इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपसे पूछेगा कि क्या करना है, रोम इंस्टॉलेशन, इसका डाटा इसमें से डिलीट हो सकता है, ये सारी आपको वार्निंग्स देगा. आपको येस करना है, अगर नो करेंगे तो आप अपने फ़ोन को फिर से चाहिए बैकअप लीजिए और फिर से कनेक्ट कीजिए. अब आपको येस कर देना है. येस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके फ़ोन की सेटिंग्स को चेक करेगा, बूटलोडर स्टेटस को चेक करेगा. आपका फ़ोन जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फोन जो है अब फास्ट बूट मोड पर चला गया है. अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आपको स्क्रीन कुछ और दिखेगी, कुछ और ऑप्शन दिखेंगे. जैसे जैसे ये एप्लीकेशंस आपको यहाँ बोलता रहेगा वैसा वैसा आपको अपने फ़ोन में और अपने डेस्कटॉप पे करते जाना है. जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ मिलेंगी यानी कि आपके PC के ऊपर, वो आपको अपने फ़ोन में करते जाना है. अभी तो हमारा जो फ़ोन है उसका बूट लोडर जो अनलॉक है. अगर आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होगा, लॉक्ड होगा, तो आपको ऑप्शंस कुछ और मिलेंगे इसके अंदर. ये मेथड जो है किसी भी फ़ोन में काम करेगा, चाहे वो उसका बूट लोडर अनलॉक हो या लॉक्ड हो. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमारे सामने जो PC के सामने जो एप्लीकेशन था उसमें एक स्क्रीन आई है जिसमें 0 to 6 कुछ ऑप्शंस हैं. अब मैं आपको ये सारे ऑप्शंस एक एक करके समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या है और इनका यूसेज क्या है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला वर्जन है 0 वर्जन ग्लोबल स्टेबल, यानी कि जो ग्लोबल स्टेबल वर्जन होता है जो फ़ोन के अंदर पहले से इंस्टॉल होकर आता है वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन डेड हो गया है या ब्रिक्ड हो गया है. दूसरा है ग्लोबल डेवलपर वर्जन, जो कि फर्स्ट नंबर पर है, जो कि मुझे पता है कि MIUI 9 पे रन कर रहा है तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा. आप चाइना स्टेबल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाइना डेवलपर भी इंस्टॉल करते हैं. और छठा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, शो एडवांस ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ और आपको ऑप्शंस खुल जाते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको जो वर्जन आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है MIUI 9 का और आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है, तो दो फाइलें होती हैं. मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, दो तरीके की फाइलें होती हैं. एक होती है फास्ट बूट फाइल, जिसे TZZ के नाम से जाना जाता है, और एक होती है रिकवरी फाइल. अगर आपने ये दोनों फाइलें कहीं इनमें से कोई एक फाइल अपने फ़ोन के लिए डाउनलोड कर रखी है और आप फिर से फोन फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने उस फाइल को सिलेक्ट करके इस फाइल को यहाँ से आसानी से अपने फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं MIUI 9 को. बट मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी है तो मैं क्या करूँगा, जो ग्लोबल डेवलपर वर्जन है उसको इंस्टॉल करूँ. और ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें लिखा है बूट लोडर अनलॉक रिक्वायर्ड नो, यानी कि इसमें अगर मेरा फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक लॉक्ड भी होता तब भी मैं इस रोम को आसानी से फ्लैश कर सकता था. और ऑफिशियल वर्जन है इसके आगे लिखा है यस, ये जो है ये ऑफिशियल वर्जन है. तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन के बूटलोडर को अनलॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. अगर अनलॉक नहीं होगा तब भी ये टूल काम करता है, बट ये मुझे बता रहा है कि इसके लिए फ़ोन का जो बूटलोडर था वो अनलॉक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो अब मैं क्या करता हूँ, डेवलपर वर्जन जो है उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर देता हूँ. अब क्या होगा, ये जो सिलेक्टेड ग्लोबल डेवलपर वर्जन है इसको MIUI के साइट पर जाके सर्च करेगा, ठीक है.
और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, स्पीड आपके जो इंटरनेट की स्पीड है उसके ऊपर ही काम करेगा कि आपके देखिए आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो नीचे स्क्रीन है उसमें हमारा फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड पर जा चुका है और हमारे जो डाउनलोड हो चुका है कि मेरे फ़ोन की जो डाटा की स्पीड है वो 60 Mbps के हम डाटा कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। उसने फाइल को जल्दी से डाउनलोड कर लिया है, अब वो फ्लैश कर रहा है। देखिए इसने अब तक जो काफ़ी सारी फाइलें फ्लैश कर दी हैं। अब जो सिस्टम इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है फ्लैशिंग सिस्टम, दैट मीन्स कि ये अभी 63% पर थोड़ी देर रुकेगा क्योंकि सिस्टम फाइल जो होती है काफ़ी बड़ी फाइल होती है, ये अराउंड 4 to 5 मिनट्स लगती है फ्लैश होने के लिए। तो ये इस अभी जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने फास्ट बूट रोम यूज़ किया क्योंकि मैंने जो है ग्लोबल डेवलपर का फास्ट बूट रोम अपने आप डाउनलोड किया है इस एप्लीकेशन ने। ये जो है एमआई के सर्वर के ऊपर जाता है, Xiaomi के जो ऑफिशियल सर्वर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर जाता है, वहाँ से फाइल को डाउनलोड करता है क्योंकि मेरा इंटरनेट का कनेक्शन काफ़ी फास्ट है। तो उसने फाइल को बहुत जल्दी डाउनलोड कर लिया, मैं 60 Mbps का कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो फाइल जल्दी डाउनलोड होगी। अगर आप थोड़ा स्लो कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट फाइल को डाउनलोड करने में लग सकते हैं। तो मेरी जल्दी डाउनलोड हो गई और फ्लैशिंग शुरू हो चुकी है। ये मेथड किसी भी फ़ोन में काम करेगा, चाहे वो फ़ोन उसका बूटलोडर अनलॉक हो या लॉक्ड हो। कई बार क्या होता है आपको एमआई फ्लैश टूल यूज़ करना होता है बट उसमें काफ़ी सारे आपको एरर आते हैं कि कोई अनस्पेसिफाइड एरर आता है या मेमोरी एरर आता है, बट इस टूल में क्या होगा कुछ भी आपको एरर नहीं आएगा। कुछ भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपके फ़ोन अगर रिकवरी मोड पर जाता है जैसे यहाँ पे हमारा फास्ट बूट है तो रिकवरी मोड पर आपको बताएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे की वैसे ही फॉलो करनी है जैसे ये पीसी पे बताएगा। अगर ये पीसी पे आपको बताता है कि एमआई असिस्टेंट आपको दिख रहा है फास्ट बूट की जगह उसको सेलेक्ट करना है तो वैसे करना है, क्योंकि एमआई असिस्टेंट के लिए तब आएगा आपको ऑप्शन जब आप रिकवरी रोम फ्लैश कर रहे हो। मगर मैं फास्ट बूट रोम डाउनलोड किया है इस एप्लीकेशन ने मेरे लिए, तो ये फास्ट बूट मोड पर जाके फ्लैश करेगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, दो तरीके की फाइल होती हैं, एक फास्ट बूट फाइल होती है एक रिकवरी फाइल होती है। फास्ट बूट फाइल को फास्ट बूट मोड में जाके फ्लैश किया जाता है और रिकवरी फाइल को यानी कि एम आई असिस्टेंट या रिकवरी मोड में जाके फ्लैश किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन अलग हो सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जो ये एप्लीकेशन आपको जो बताएगा स्क्रीन के ऊपर आपको वैसे वैसा करते जाना है, कुछ ही देर में जो आपके फ़ोन जो है जो कोई भी फ़ोन हो उसमें MIUI 9 का वर्जन जो है फ्लैश हो जाएगा। बट आपको ये याद रखना है कि MIUI 9 वर्जन जो है आपके लिए रिलीज़ हुआ है कि नहीं। मुझे पता था कि MIUI 9 का जो वर्जन है वो ग्लोबल डेवलपर वर्जन रिलीज हो रखा है हमारे फोन के लिए, तो हमने ग्लोबल डेवलपर वर्जन को चूज किया। अगर आपके पास डाउनलोड फाइल पड़ी है, आप किसी सोर्स या बीटा रोम से आपको फाइल मिली है, तो एक जिसमें मैंने आपको दो ऑप्शन और दिखाए थे जिसमें आपको फाइल को सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर से फाइल को सिलेक्ट करके ब्राउज करना है और नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद वो फाइल आपके ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगी। सिंपल सा एप्लीकेशन है, कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है डाउनलोड होने के लिए। बस रोम को फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो रोम है काफ़ी अराउंड 1 GB से ऊपर होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इसने हमारी सिस्टम इमेज को फ्लैश कर दिया है, अभी फ्लैशिंग यूज़र डाटा कर रहा है, 90% मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, ये कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा फ़ोन जो आप देख पा रहे हैं नीचे साइड में जो स्क्रीन है थोड़ी देर में बूट होगा और कुछ ही देर में फ़ोन जो है नॉर्मल अपने प्रोसीजर पर आ जाएगा। आप देखते रहिए, ये देखिए 90% कंप्लीट हो चुका है। ये मेथड किसी भी फ़ोन में काम करेगा, Xiaomi का कोई भी फ़ोन हो, चाहे MI हो, MI 4 हो, Redmi Note 3 हो, Redmi Note 4 हो, Redmi 4A हो या Redmi 4, कोई भी फ़ोन हो सब में ये काम करता है क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है MI के सर्वर के साथ कनेक्ट करता है और वहाँ से आपके फ़ोन के मुताबिक आपके लिए जो डाउनलोड फाइल है उसको ढूंढता है और उसको फ्लैश करता है दो मेथड से, या तो फास्ट बूट या रिकवरी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 95% कंप्लीट हो गया है, हमारा फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली बूट हो गया है। अभी आपसे पूछेगा कि आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं कि आप बियर यानी कुछ पैसे देने चाहते हैं, मैं इनको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो नो डाई थर्स्ट रिट्राई कंफर्म कर दूंगा और जो एप्लीकेशन जो है अब ऑफ हो जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फ़ोन जो है उसकी स्क्रीन पर MI का लोगो बना हुआ है और फ़ोन जो है थोड़ी देर में MIUI 9 पे बूट हो जाएगा। आप बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि MIUI 9 की स्क्रीन आती है कि नहीं आती है, ताकि आपको लगे कि मैं MIUI 9 जो है सक्सेसफुली अपने Redmi Note 4 में इंस्टॉल कर लिया है कि नहीं। तो आप थोड़ी देर बने रहिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा फ़ोन सक्सेसफुली बूट हो चुका है, MIUI 9 की आप स्क्रीन देख पा रहे हैं जो सेटअप की आ चुकी है। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी Xiaomi फ़ोन में MIUI 9 के रोम को बिना MI फ्लैश टूल या बिना कोई भी मेथड के थ्रू सीधे सिंपल से टूल से आसानी से फ्लैश कर सकते हैं, ना कोई आपको एरर आता है। और सबसे आसान तरीका था ये अपने फ़ोन को अपडेट करने का MIUI 9 से। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।